नमस्ते बच्चों, आज हम 1 से 20 तक की संख्याओं की एक मजेदार कहानी सुनेंगे। पापा, मुझे आज एक कहानी सुनाओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें 1 से 20 तक की संख्याओं की एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। बच्चों, क्या आप भी 1 से 20 तक की संख्या की कहानी सुनना चाहते हैं? एक दिन एक हाथी घूमते हुए बहुत बड़े से जंगल में पहुँचा। उसने वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ों को देखा। इतने सारे पेड़ों को देखकर उसने सोचा, क्यों न मैं इन सभी फलों को खा लूं? वो पहले पेड़ पर गया और उसने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 केलों को खाया। क्या आप बता सकते हैं हाथी ने कितने केले खाए? आपने बिल्कुल सही सोचा, हाथी ने कुल 6 केले खाए। 6 केले खाने के बाद वह दूसरे पेड़ पर गया। उसने वहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेब खाए। 10 सेब खाने के बाद उसको बहुत जोरों की नींद लगी और वह एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। कुछ देर सोने के बाद उसको फिर से भूख लगी। अब की बार उसे आम का पेड़ दिखाई दिया। हाथी ने खाना शुरू किया। इस बार उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आम पेड़ पर से तोड़कर खाए। क्या आप बता सकते हैं हाथी ने अब कितने आम खाए? आपने बिल्कुल सही सोचा, हाथी ने कुल 14 आम खाए। 14 आम खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा और उसने सोचा, मुझे अब कौन सा फल खाना चाहिए। थोड़ी दूर पर उसे अंगूर दिखाई दिए और उसने खाना शुरू किया। उसने पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 अंगूरों को खाया। अब हाथी का पेट पूरी तरह से भर गया था और वह खुशी खुशी वहां से चला गया। अरे वाह पापा, ये कहानी तो बहुत मजेदार है। हाथी ने बहुत सारे फलों को खाया, मजा आ गया। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अब आपकी बारी है। आप भी संख्याओं से जुड़ी एक कहानी लिखकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 1 से 20 तक की संख्याओं की एक दिलचस्प कहानी सुनी।